एक सरकार वह जो विकास पर ध्यान दे, चित्रकूट को उसकी मौलिक पहचान को देने का कार्य किया, चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करके, अपराधियों से मुक्त करके फिर से सनातन हिंदू धर्म के पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य की, वह एक डबल इंजन की भाजपा की सरकार आपके साथ। और एक लोग वे भी थे जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को ही भूला दिया। समाजवादी पार्टी जीवन भर डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति करती रही। रामायण मेलों की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की और ये जो भवन बना है ना, ये भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से बना। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, विधत थे, अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। ये आज की समाजवादी पार्टी, इनको रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता, ये लोग महर्षि वाल्मीकि का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग संत तुलसीदास जी का सम्मान नहीं कर सकते, ये प्रभु श्री राम की प्रति आस्था तो दूर, प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने वाले लोग। कारण है इनकी सोच में नकारात्मकता है, इनकी सोच में अराजकता है, इनकी सोच में अवसरवादिता है। ये परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बारे में मात्र सोचते हैं, समाज के बारे में सोच नहीं है, और किसी सच्चे आदमी को, किसी संत को अपना हित मित्र नहीं बनाते, किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बनाकर के जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।